ऐसी कोई व्यवस्था देखी है जहां मालिक भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप बताओ, दुनिया में कहीं आपने ऐसी व्यवस्था देखी कि मालिक तो भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप अपने व्यापार में ऐसे किसी नौकर को रखेंगे? आप दुकान चलाते हैं, दुकान में ऐसा नौकर रखेंगे कभी कि नौकर मलाई खाए और मालिक भूखा मर जाए? तो जो देश का मालिक है, जिसको हम वोटर कहते हैं, देश का नागरिक कहते हैं, जो टैक्स देता है, लेजिटिमेट सिटीजन है, नेचुरल बॉर्न सिटीजन है, वो भूखा मर रहा है और हमारे देश के पुढ़ारियों की पगार पे एक एक व्यक्ति पर 18 कोटी रुपए खर्च हो रहा है। फिर राष्ट्रपति की पगार तो 18 कोटी, उनके नीचे उपराष्ट्रपति, उनकी पगार का खर्च एक बरस का 13 कोटी। एक बार मैंने ये भी माहिती लेने की कोशिश की कि ये लोग काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? आप पूछो क्या काम करते हैं उनसे। तो राष्ट्रपति का काम है कि लोकसभा से कोई फाइल जाती है उस पर सही करना। तो कितने दिन फाइल जाती है? बरस में एक महीना बस। क्यों? बाकी दिन लोकसभा चलती ही नहीं, और चलती भी है तो वहां दंगल होता। लोकसभा तो अखाड़े से भी ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि अखाड़े में भी जो दंगल होता उसके नियम कायदे कानून, वहां तो कुछ नियम ही नहीं है, कायदे ही नहीं, कानून ही नहीं। कोई किसी की पेंट उतार रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, यही लगा रहता है लोकसभा। और कभी कभी तो ऐसी हालत होती है लोकसभा की कि वो बेचारा जो अपना अध्यक्ष है वो ठक 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 पीटता रहता, कोई किसी की सुनता ही नहीं, लगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसे जैसे गली के चौराहे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं वो सदन के अंदर। और जब राष्ट्रपति या सॉरी लोकसभा अध्यक्ष बहुत परेशान हो जाता है तो सदन को स्थगित कर देता। तो वो यही तो चाहते हैं कि सदन स्थगित होता रहे और पगार उनको बढ़ती रहे। तो सदन स्थगित हो जाता, फिर काम ही नहीं होता, और ऐसे दिवस लोकसभा में बहुत बर्बाद होते हैं। भारत देश के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम है पीए संगमा, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक पुस्तक छोटी सी लिखी है, उसमें कहा है कि आज से 50 बरस पहले लोकसभा में जितना काम होता था आज उसका 10% भी नहीं होता, 10% काम नहीं है लोकसभा। तो चूंकि लोकसभा में काम नहीं है तो राष्ट्रपति को काम नहीं, लोकसभा काम करे तो राष्ट्रपति को काम हो, लोकसभा काम ही नहीं करती तो राष्ट्रपति को काम, और काम होता भी है तो सिर्फ सही करने। तो सही करने का काम करने के लिए हमने एक नौकर रखा है, उसको 5 लाख रुपए दिवस की हम पगार देते हैं। क्या विचित्र देश है ये। और हिंदुस्तान में जो मालिक है इस देश का, काश्तकार, मजदूर, अध्यापक, विद्यार्थी, आप, मैं, हम सब, जो रोज 8-8 घंटे मेहनत करें, 10-10 घंटे खेती में मेहनत करें, उनको 40 रुपए नहीं मिलता, 50 रुपए नहीं मिलता, 60 रुपए नहीं मिलता। बेचारे 10-10, 15-15 रुपए पे काम करने को तैयार है। कल मैं उरन नाम के गांव में गया, वहां मेरे एक परिचित मित्र हैं निमाड़े से, मैं उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा, राजीव भाई हमारे गांव की तो परिस्थिति ऐसी है कि बहनें महिलाएं पूरे दिवस खेत में काम करें तो भी 25 रुपए नहीं मिलता उनको। तो हमारे देश का काश्तकार दिवस भर खेती में काम करे, मर जाए तो उसकी पीठ टूट जाए, क्योंकि जब वो खेती करता है, धान की खेती करे तो उसकी पीठ टूट जाती है, झुके 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 धान की रोपाई करनी पड़ती है। वो काश्तकार को दिवस में 25 रुपए भी न मिले, और राष्ट्रपति को सिर्फ सही करने के लिए दिवस का 5 लाख रुपए खर्च, ये व्यवस्था अपने देश की। और राष्ट्रपति महोदय जिस घर में रहते हैं वो घर कैसा, 350 कमरे एक घर में, शिवाजी महाराज का महल भी नहीं था ऐसा, तो 350, किसी राजा का महल नहीं था 350 का, राष्ट्रपति के महल में 350 कमरे। मैंने एक दिन उनको कहा, मेरे कुछ मित्रों को जो पुढ़ारी हैं, कि राष्ट्रपति 2 पति-पत्नी हैं बस, एक पति और एक पत्नी, और तो कोई है नहीं घर में, तो ये दो लोग 350 कमरे में रहते कैसे हैं? आप मुझे जरा ये समझो कैसे रहते, कुछ हिसाब ही नहीं बैठता उसका। मैंने एक दिन ये सोचा कि वो एक दिवस या एक रात एक कमरे में सोएं, दूसरे दिवस दूसरे कमरे में सोएं, तीसरे दिवस तीसरे कमरे में सोएं, तो भी एक बरस के बाद पहले कमरे का नंबर आएगा, एक बरस के बाद, क्योंकि एक बरस में दिन 365, 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो। हालांकि राष्ट्रपति की छुट्टी उससे ज्यादा है, 3 महीने की छुट्टी है उनकी,
तो मैं तो 15 दिवस ही की बात करता हूं, तो 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो, हर दिवस वो एक कमरे में सोए तो भी 350 कमरे का हिसाब कुछ समझ में नहीं आता। वो रहते हैं उतने बड़े घर में, हो सकता है राष्ट्रपति बनने के पहले उनके पास 2 ही कमरे का घर हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद, माने हमारा नौकर बनने के बाद, उनको आलीशान महल मिलेगा। जब वो हमारे जैसे हैं तब वो 2 ही कमरे के घर में रहेंगे, लेकिन जब हमारे नौकर बन के सही करने के लिए बैठेंगे तो उनको 350 कमरे का घर मिलेगा। ये व्यवस्था अपने देश की। अब वो जो 350 कमरे का घर है उसकी सफाई होती है तो उसमें तो 400 से ज्यादा तो कर्मचारी है झाड़ू लगाने वाले, फिर पीछे से पोछा लगाने वाले, दिवस भर उसमें सफाई चलती रहती, दिवस भर। मैं तो कई बार गया हूं वहां, और फिर वहां पे रसोई है, डॉक्टर है, 20 डॉक्टर, 20। अब पता नहीं कैसे इलाज होगा। एक डॉक्टर हो तो कुछ समझता भी है भाई, उसको क्या बीमारी है क्या नहीं। अब 20 डॉक्टर एक साथ खड़े हो गए और राष्ट्रपति एक बीमार, कैसे इलाज करेंगे कुछ मुझे तो नहीं समझ। वो एक डॉक्टर एक डायग्नोसिस करेगा, दूसरा दूसरी करेगा, तीसरा तीसरी करेगा, पता नहीं कैसे इलाज। अभी हिंदुस्तान की परिस्थिति यह है कि गांव में 2-2 लाख लोगों के मरीजों पर एक डॉक्टर नहीं, और राष्ट्रपति के ऊपर 20 डॉक्टर, और जब वो चलते हैं तो 25-30 कारें उनके साथ चलती, 25-30 कम से कम। एक बार मैंने किसी को पूछा कि भाई इतनी कार क्यों चलती है, एक कार काफी है उनके लिए। तो उन्होंने कहा हम इसलिए 25-30 कार चलाते हैं कि उनके ऊपर कोई अतिरेकी हमला ना करे। तो मैंने कहा आप इसकी क्या गारंटी लेते हैं, तो उन्होंने कहा हम ऐसी गारंटी लेते हैं कि राष्ट्रपति किस कार में ये पता ही नहीं चलता। तो एक ही कार में वो बैठते हैं, बाकी सब खाली होती, सिर्फ ड्राइवर रहता, आगे पीछे लाइन से चलती है, एक में वो बैठते हैं बाकी खाली चलती है। तो वो जब चलती है तो उनके डीजल पेट्रोल का खर्च वो अलग से है, तो कुछ समझता नहीं अपने को, तो ये क्या चलता अपने। फिर उपराष्ट्रपति है, उनको तो बरस का खर्च 13 कोटि का है, उनका तो कुछ भी काम नहीं। राष्ट्रपति तो भी सही करते, उपराष्ट्रपति का तो वो भी काम नहीं। एक बार मैंने किसी को पूछा ये उपराष्ट्रपति क्यों बनाए आपने, काम तो कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं कि राजीव भाई राष्ट्रपति मर गए तो। अब मैंने उनसे पूछा कि मर गए तो, मरे तो नहीं अभी तक, पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि राष्ट्रपति मरे और उपराष्ट्रपति को काम आया, वो होता ही नहीं है। तो अगले 100 वर्ष भी नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन पोस्ट बराबर चालू और खर्चा उनका बराबर, तो उनका खर्च है। फिर उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान, उनका बरस का खर्च 11 कोटि का। फिर उसके नीचे मंत्री, 73 मंत्री हैं, 73 मंत्रियों में 36 मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। हाँ मैं आपको सच बात बता रहा हूं, उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान, उनका बरस का खर्च 11 कोटि का। फिर उसके नीचे मंत्री, 73 मंत्री हैं, 73 मंत्रियों में 36 मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। हाँ मैं आपको सच बात बता रहा हूं, एक अंदर की बात बताता हूं, सरकार के अंदर जो 36 मंत्री हैं उन्होंने अभी एक एसोसिएशन बनाया, संगठन बनाया सरकार के अंदर। सरकार के अंदर आप समझते संगठन बनता बनता है वहां भी। उन्होंने क्यों बनाया, तो एक मंत्री को मैंने पूछा भाई आपने क्यों एसोसिएशन बनाया, तो उन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया। तो क्या बात का कि हमको काम दो, काम ही नहीं है हमारे। तो मैंने पूछा आप दिवस भर करते क्या है कि बस बैठते हैं एसी में, सवेरे आते हैं शाम को घर चले जाते हैं, कुछ उसमें देखते रहते हैं टीवी वगैरह, और तो कुछ काम है नहीं। और काम क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बना देश में जिसके मंत्रियों की जरूरत ही कम थी। ज्यादा से ज्यादा 40-45 मंत्री बहुत होते हैं दिल्ली में, अभी तो 73 मंत्री, काम कहां से आए। लेकिन खर्चा उनका सबका मंत्रियों वाला। फिर उन मंत्रियों के नीचे मुख्यमंत्री, पूरे देश में 28 मुख्यमंत्री, दर एक मुख्यमंत्री का साल का खर्च 10 कोटि, तो 28 का 280 कोटि। फिर 28 राज्यपाल मुख्यमंत्री के ऊपर, हर एक राज्यपाल का 11-12 कोटि का खर्च, तो 300 कोटि वो। फिर राज्य सरकार में मंत्री, केंद्र के अलग राज्य के अलग, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरे राज्य सरकार में 90 के ऊपर 94 मंत्री इस समय 94, और उनमें से 18 मंत्री हैं जिनको कहते हैं मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो, बिना खाता मंत्री। खाता कहां से लाएं, लेकिन मंत्री है सर।
आएगा कहां से? और जो मंत्री खाता के बगैर हैं, उनका बरस का चाय पानी का खर्च 1,36,00,000 रुपए का, चाय पानी का खर्च, खाता नहीं है लेकिन चाय पानी, शायद चाय पानी के लिए ही मंत्री। फिर एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा यूपी में कि भाई इतना जंबो मंत्रिमंडल क्यों? तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए तो बना नहीं पड़ता। तो मैंने कहा मेरे उत्तर प्रदेश में 405 आमदार होते हैं, पहले तो 425 थे, फिर जब से उत्तरांचल अलग हुआ तब से हमारे यहाँ 405 आमदार। तो मैंने कहा एक दिन आएगा सब आमदार को मंत्री बनाओगे, क्योंकि हर एक का वोट चाहिए मुख्यमंत्री, और सबके लिए मंत्री की गाड़ी दोगे, लाल बत्ती दोगे, हरी बत्ती दोगे, सब करोगे व्यवस्था, और उनके लिए रहने को घर फ्री है, बंगला फ्री है, बिजली फ्री है, मोबाइल फोन फ्री है। आप जानते हैं हर एक मंत्री को मोबाइल फोन फ्री है, और उनको जो मोबाइल मिला हुआ है वो रोमिंग है, ऑल इंडिया है, वो फोन करें या ना करें 8,000 रुपए महीने का तो उसका बिल है, 8,000 रुपए महीने का बिल है, वो फोन करें या ना करें, हर एक मंत्री को ऑल इंडिया मोबाइल, स्टेट में भी और सेंट्रल में। फिर उसके बाद जब वो सदन नहीं चलता, माने विधानसभा नहीं चलती, लोकसभा नहीं चलती, और अपने क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो वो अलाउंस अलग से मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। फिर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल मिलता, केंद्र के मंत्री को बड़े आराम से बरस में 400 लीटर डीजल या पेट्रोल फ्री है, मिनिमम इतना तो है। फिर हवाई जहाज की यात्रा फ्री है, फिर रेल की यात्रा फ्री है, तो क्या क्या नहीं है उनको। एक एक घर के मंत्री को मैंने देखा 5-5 एकड़ में घर बना हुआ है, 5 एकड़, और उसमें वो भाजी करते हैं और भाजी भी बाजार में बेचते हैं, उसकी भी कमाई कर लेते हैं। आप हंसिए मत, मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूं। दिल्ली में कई मंत्रियों के घर में मैंने देखा वो भाजी पाला करते हैं और बाजार में बेच के उसका भी नफा लेते हैं, क्योंकि 5 एकड़ का प्लॉट है, क्या करेंगे उसमें, रह तो सकते नहीं, तो उसमें खूब करते हैं, तो उसमें से कमाई करते हैं। तो ये परिस्थिति है। फिर एक दिन मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 800 खासदार अपने देश में, और 800 खासदार के ऊपर 4,025 आमदार पूरे देश में, हर एक खासदार का एक महीने का खर्च 1,00,000 रुपए, और ये जो पगार वाड़ हुआ ना अभी 15-20 दिवस पूर्व, 3 पट पगार वाड़ किया, तो पगार वाड़ के बाद अब खासदार का महीने का खर्च हो जाएगा 3,00,000 रुपए। अभी तक 1,00,000 रुपए महीने था, 3,00,000। अब आप देखो ये चतुराई क्या है। आप अगर अखबार पढ़ोगे तो उसमें खबर ये है कि पहले उनको पगार थी 4,000 रुपए मासिक, अब 12,000। ये तो बेसिक है, इसके ऊपर बहुत कुछ होता, ये तो आपको मुझको मूर्ख बनाने के लिए बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो उनको दिया जाता है उनके डिपार्टमेंट के, उनके सेक्रेटरी के, उनके असिस्टेंट के नाम पर, उनके पूरे ऑफिस के नाम पर, फिर उनको बिजली के खर्चे के नाम पर, पानी के खर्चे के नाम पर, घर खर्चे के नाम पर, फिर हवाई जहाज की यात्रा, वो सब मैंने एक बार जोड़ा तो एक खासदार का महीने का औसतन खर्च 1,00,000 रुपए, और अब पगार वाड़ के बाद हो जाएगा 3,00,000 रुपए। अच्छा, अब 3,00,000 रुपए खासदार की पगार हो गई, माने खर्चा एक बरस का, तो भी खासदार संतुष्ट नहीं, कहते हैं अभी और बढ़ाओ इसको। हमारे देश में एक खासदार हैं, उनका नाम है राजीव शुक्ला, और राज्यसभा में अभी खासदार हुए हैं थोड़े दिवस पूर्व, तो उन्होंने अभी थोड़े दिवस पूर्व कहा कि ये 3,00,000 रुपए मासिक जो हमारा खर्चा है ये कम है। तो उसको किसी ने पूछा कितना होना चाहिए, तो उसने कहा 12,00,000 होना चाहिए कम से कम। तो फिर उनको पूछा गया भाई 12,00,000 रुपए महीने का आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो आपको इतना मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा अमरीका में मिलता है इतना, तो अमरीका चले जाओ, फिर यहां क्यों हो हिंदुस्तान, जाओ अमरीका, हमने तो नहीं रोका है आपको, ले लो वहां का वीजा, चले जाओ। और अमरीका में तो उल्टी हालत है, अभी जो गए हैं उन्हीं को पीट पीट के भगा रहे हैं अभी। तो अमरीका में 12,00,000 रुपए मासिक है, और वो तब है जब उनकी इकोनॉमी का स्केल और हमारी इकोनॉमी के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका का एक साल का बजट हिंदुस्तान के 10 साल के बजट के बराबर है,
तो जब उनका एक साल का बजट 10 साल के हमारे बजट के बराबर है, उस बजट में वो 12 लाख रुपए महीने देते हैं। लेकिन एक माहिती मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये, अमरीका के किसी भी खासदार को ना तो मुफ्त में मोबाइल फोन मिलता है, ना मुफ्त में हवाई यात्रा करने को मिलती है, ना मुफ्त में रहने को घर मिलता है, ना मुफ्त की बीज मिलती है, ना मुफ्त का पानी मिलता है। उनको उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना दूसरे लोगों को देना पड़ता है। हमारे खासदार ये भूल जाते हैं जब ये कहते हैं। और अमेरिका ही क्यों, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी खासदार को मुफ्त में मोबाइल फोन नहीं मिलता। ब्रिटेन में आप चले जाइए, ब्रिटेन में जितने भी एमपीज हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, सबको किराए के घर में रहना पड़ता या अपने घर में रहना पड़ता। सरकार किसी को घर नहीं देती, गाड़ी किसी को नहीं देती, भत्ता किसी को नहीं देती। हमारे ही देश में है ये व्यवस्था। तो इतनी भयंकर पगार का खर्च अपने देश का, और ये खर्चा कितना है, मैंने एक बार ये सब खर्चा जोड़ा राष्ट्रपति से लेकर और नीचे हिंदुस्तान में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर तक पगार का खर्च एक बार मैंने जोड़ा। फिर बाद में मुझे लगा कि सरपंच को भी इसमें शामिल करूं, क्योंकि अब उनको भी पगार मिलने लगी है। तो 5,76,000 सरपंच हैं पूरे देश में, तो उनका भी खर्च मैंने जोड़ा, तो एक बरस के पगार का ही खर्च 87,000 करोड़ रुपए एक बरस का। और ये जो 87,000 करोड़ रुपए पगार के ऊपर खर्च होता है, वो हमारे देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आप पूछोगे क्यों, आप सीधे से हिसाब जोड़ लो ना। अगर ये 87,000 करोड़ बरस में खर्च नहीं होता, सीधे लोगों में बांट दिया जाता, तो भी एक एक व्यक्ति को इस देश में 8,700 रुपए बड़े आराम से बरस में मिल सकता। नहीं करते, हम व्यवस्था ही नहीं चलाते ना, हमें संसद चलानी है, लोकसभा ना विधानसभा, बंद कर दो ये सब, क्योंकि आप चलाते हो हमारे लिए और हमारा ही काम होता नहीं, पगारवाड़ होती रहती। जब संसद में पगारवाड़ का विधेयक आता है, सब खासदार एक बाजू में हो जाते, कोई उस दिन विपक्ष नहीं होता, सब सत्ता पक्ष में आ जाते। और पगारवाड़ का विधेयक 3 मिनट में पारित होता है, बस 3 मिनट। और मुझे इस बार इतना खराब लगा कि इसी वर्ष हिंदुस्तान में भूख से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, और इसी वर्ष अपने पुढ़ारी पगारवाड़ में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात है अपने देश, और दुख ही नहीं, शर्म आती है मुझे मेरे देश के पुढ़ारियों। यही देश है जिसको भारत हम कहते हैं। 50 वर्ष पूर्व इस देश में ऐसे पुढ़ारी होते थे जो देश के लिए सब कुछ दे सकते थे, घर में जो है वो भी निकाल के दे सकते। आप उन पुढ़ारियों के नाम गिन लो, लोकमान्य तिलक, हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, सावरकर, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे आप लिस्ट बनाते जाओ, एक एक पुढ़ारी का नाम लेते जाओ, चाफेकर बंधु, ये जितने भी नाम आप लेना चाहो ले सकते हो। इन सभी नाम लेने वालों के नेताओं के चरित्र लगभग क्या थे कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे। अपना घर देना हो तो घर दे सकते थे, बच्चों को दांव पर लगाना हो तो बच्चों को दांव पर लगा सकते थे, नौकरी छोड़नी हो तो नौकरी छोड़ सकते थे, धंधा छोड़ना हो तो धंधा छोड़ सकते थे, और किया है उन्होंने। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस में टॉपर थे, और अंग्रेजों की सरकार में आईसीएस टॉप करना कोई मजाक बात नहीं थी, हिंदुस्तानियों को तो प्रवेश नहीं मिलता, और उन्होंने अंग्रेजी लड़कों को पीछे छोड़ते हुए खुद टॉप किया था। वो बहुत बड़े पद पर नौकरी के लायक थे, लेकिन टॉपर होने के बाद भी नौकरी छोड़कर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, सब छोड़ दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे घर के बच्चे थे, चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, व्यापार कर सकते थे, लेकिन छोड़ दिया सब। चाफेकर बंधु भी ऐसे ही थे। हमारे देश में सावरकर की कोई कमी थी क्या योग्यता में? महात्मा गांधी की योग्यता कुछ कम थी क्या? बहुत बड़ी डिग्री थी उनके पास, बैरिस्टर थे, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। लोकमान्य तिलक को देखो, लोकमान्य तिलक के पास बारेट लॉ की डिग्री थी, वो चाहते कोटिपति बन सकते थे, लेकिन इन सब ने देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया, अपनी जान तक दी। पैसा तो कुछ भी नहीं होता, पैसा दान तो कोई भी कर सकता है, अपनी देह का दान करना, अपनी जान देना, अपनी कुर्बानी देना, ये तो ऊंची बात है। वो सब करने की मान्यता रखने वाले पुढ़ारी वो एक बाजू में, और आजकल के हरामखोर पुढ़ारी दूसरे बाजू में। आजकल के पुढ़ारियों को तो कहीं से मौका मिल जाए तो जोंक की तरह से चिपकते हैं, और खून जब तक अंतिम बूंद बाकी है आप में तब तक चूसते रहते हैं। ऐसे हैं सब, कहीं मौका मिल जाए।
देखो आप, एक तो पगार में पैसा लेते हैं भरपूर, भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलता भरपूर, फिर यही पुढ़ारी रिश्वत भी लेते हैं अलग से। आप छोटे से छोटा काम लेके जाओ, अकोला में कहीं पर किसी मोहल्ले में एक हैंड पाइप लगाना है, और मैं आपको चैलेंज देकर बोलता हूं आप ले जाओ कि हमें एक हैंड पाइप लगाना, बिना पैसे के आपका काम हो जाए तो आप मुझे बता देना, छोटे से छोटा काम।